फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन जो रिटेन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, दो ऐसा एडवर्ब, पहला इवन और ऑनली, ये ऐसे एडवर्ब हैं जहाँ इनके यूज में अक्सर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं या गलती करते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स का क्या इस्तेमाल है, यानी उनका पोजीशन कहाँ होना चाहिए, ये बात बहुत मायने रखती है। अगर आप इनका इस्तेमाल गलत पोजीशन पे कर देंगे तो आपके सेंटेंसेस के कुछ और मीनिंग हो जाएंगे, इसलिए एक सेंटेंस में इनका पोजीशन जानना बेहद जरूरी है और अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें इवन और ऑनली को एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इवन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ऑनली का कुछ एग्जांपल देखेंगे। इवन मतलब भी, जैसे मैं भी उसे पीटा। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, एक खास बात आपको बता दूँ, इवन और ऑनली इनका इस्तेमाल हमें उसी वर्ड के पहले करना है जिसके लिए यह आए हुए हैं, यानी इवन मतलब भी और वर्ड भी जिस वर्ड के साथ आएगा हमें उसी के साथ उसकी इंग्लिश लिखनी होगी। जैसे यहाँ पर भी मैं के साथ आया हुआ है, इसलिए हम भी की इंग्लिश मैं के साथ ही लिखेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे इवन, उसके बाद लिखेंगे आई। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि वर्ड भी जिस वर्ड के साथ आया हुआ है आप उसकी इंग्लिश उसी के साथ लिखें। सबसे पहले आप भी की इंग्लिश लिखें, उसके बाद जो वर्ड्स उसके साथ जुड़ा हुआ है आप उसे लिखें। जैसे मैं भी उसे पीटा, तो आप कहेंगे इवन आई बीट हिम। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं भी उसे पीटा, और इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग हुआ कि उसे तो और लोग भी पीटे जिसमें मैं भी शामिल था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंस कुछ ऐसे लिखा हो, मैं उसे भी पीटा, तो यहाँ पर भी उसे के साथ आया हुआ है, तो जब आप भी की इंग्लिश इवन लिखें तो उसे के साथ ही लिखेंगे, यानी सबसे पहले आप भी की इंग्लिश लिखेंगे उसके बाद उसे का। जैसे मैं उसे भी पीटा, तो आप कहेंगे आई बीट इवन हिम, और इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मैं उसे भी पीटा, यानी मैंने तो बहुत लोगों को पीटा जिसमें वो भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि वर्ड इवन का इस्तेमाल हमें उसी वर्ड के साथ करना है जिसके लिए वह आया हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी भी पढ़ाया, तो यहाँ पर वर्ड भी अंग्रेजी के साथ आया हुआ है, इसलिए जब हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश लिखने से पहले हम इवन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी भी पढ़ाया, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई टॉट इवन इंग्लिश। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है मैं भी अंग्रेजी पढ़ाया, तो यहाँ पर भी मैं के साथ आया हुआ है, इसलिए जब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आई के पहले आप इवन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इवन आई टॉट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इवन का पोजीशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर इवन का पोजीशन इधर उधर हो गया तो मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इस सेंटेंस में इवन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के पहले हुई है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है आई टॉट इवन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी भी पढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए होंगे, तभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने अंग्रेजी भी पढ़ाया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ इवन आई टॉट इंग्लिश, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ाया, यानी बातों से पता चला कि और लोग भी इंग्लिश पढ़ाए लेकिन उस काम को मैंने भी किया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इवन का पोजीशन कितना मायने रखता है। सी एट इवन राइस। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह चावल भी खाई, यानी बातों से पता चला कि उसने और भी बहुत कुछ खाया लेकिन उसके साथ साथ वह चावल भी खाई। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम इवन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के पहले करेंगे, जैसे इवन सी एट राइस, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह भी चावल खाई, यानी और लोग तो चावल खाए ही, साथ ही साथ वह भी इस काम को की। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि हमें वर्ड इवन का इस्तेमाल उसी वर्ड के पहले करना है जिसके लिए वह आया हुआ है, यानी जिस वर्ड के साथ भी जुड़ा हुआ है उसी वर्ड के पहले हम इवन का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब ऑनली के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, ऑनली मीन सिर्फ या केवल होता है। सिर्फ मैं अंग्रेजी पढ़ाया। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं इस एग्जांपल के बारे में कुछ कहूँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वर्ड ऑनली का इस्तेमाल उसी के साथ करें जिसके लिए वह आया हुआ है। जैसे सिर्फ मैं अंग्रेजी पढ़ाया, यहाँ सिर्फ किसके लिए आया हुआ है, मैं के लिए। तो आप जब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सिर्फ की इंग्लिश मैं के पहले ही लिखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आप लिखेंगे Only I taught English, यानी सिर्फ मैंने अंग्रेजी पढ़ाया। और फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग हुआ कि सिर्फ मैंने अंग्रेजी पढ़ाया, मेरे सिवा और कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाया।
तो इसका ट्रांसलेशन हुआ आई टॉट ओनली इंग्लिश, मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया। और फ्रेंड्स इस सेंटेंस का अंदरूनी मीनिंग है कि मैंने कुछ और नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया। जैसे मैंने हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा नहीं पढ़ाया, मैंने तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऑनली और इवन का पोजीशन कितना मायने रखता है। जब ऑनली सब्जेक्ट के साथ आता है तो उसका मीनिंग कुछ और जब ऑनली ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप इस बात को याद रखेंगे कि इवन और ऑनली का इस्तेमाल आप उन्हीं वर्ड के साथ करेंगे जिनके लिए वे आए हुए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।